2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में करारी हार मिली थी। यहां तक कि पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भी जनता ने इस बार अस्वीकार किया था। तो वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में करारी हार के कारणों का पता लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी दो दिनों से बैठक कर रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान, सांसद सप्तगिरी उल्का, गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को रखा गया है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी शनिवार 29 जून को एमपी आए थे और सभी उम्मीदवारों से बात भी की थी। तो वहीं ऐसे में आज यानी कि दूसरे दिन कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक से पार्टी के दिग्गज नेताओं ने दूरी बना ली है। ऐसे में पार्टी के वास्तविक कारणों की बात तो छोड़ो, अब तो पार्टी में ही अलग अलग धड़े में बटे नेताओं को एक साथ बैठाना और एकता कायम करना ही कमेटी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और अजय सिंह बैठक में नहीं पहुंचे थे। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि ये चारों नेता पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य भी हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बुरी हार को लेकर समीक्षा कर रही है। हार की समीक्षा बैठक में ही कांग्रेस के दिग्गज नेता गायब रहे। बता दें कि शनिवार 29 जून को लोकसभा प्रत्याशियों की बैठक हुई थी। लोकसभा प्रत्याशियों ने बैठक में दल बदल, संगठन, भीतर घात और टिकट में देरी की शिकायत की थी। बैठक में पार्टी छोड़कर जाने से कांग्रेस को चुनाव में नुकसान की बातें सामने आई थी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस एमपी।